वेलकम फ्रेंड्स, आज हम फिर से बहुत दिन के बाद मिले हैं। आज एक नया ज्ञान का भंडार मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मैं आपके साथ बांटने वाला हूं। आज का जो डिस्कशन मेरा आपके साथ होने वाला है वो होने वाला है कंपनी कानून के ऊपर। मित्रों, कंपनी लॉ हम सब बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं। इनफैक्ट हम सारे जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स जो लोग कर रहे हैं उनको काफी पसंद आता है ये सब्जेक्ट, बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट खासकर सीएस एग्जीक्यूटिव करने वाले बच्चे काफी ज्यादा कंपनी लॉ से प्यार करते हैं, उनको काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। आज मैं बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन, छोटी सी जानकारी कंपनी लॉ से संबंधित आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मित्रों चलिए, मुझे आप ये बताइए कंपनी शब्द का मतलब क्या होता है। चलिए कहीं ना कहीं हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कंपनी शब्द का मतलब क्या होता है। अरे मैं तो भूल गया कि हम लोग वीडियो के थ्रू बात कर रहे हैं, तो आप जो बोलेंगे वो मुझे नहीं समझ में आएगा। पर क्या आप अपने मन से एक सवाल पूछ सकते हैं कंपनी का मतलब क्या होता है? चलिए, कंपनी हम सबको पता है लैटिन वर्ड कम और पैलेस, ये दो शब्दों से मिलकर इस शब्द की रचना की गई है। कम का मतलब होता है साथ में आना, हम सबको पता है कम मतलब आना, साथ में आना। और पैलेस का मतलब होता है ब्रेड, ऐसे लोग जो अपने ब्रेड को साथ में शेयर करके खाते हैं वो कंपनी है। आप सब ये सारी जानकारी आपको है मित्रों। चलिए अब हमने बना ली कंपनी। चलिए मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे। क्या खोलेंगे मित्रों? पार्टनरशिप फर्म। वो आया 500 रुपए लेके, मैं आया 500 रुपए लेके, हम दोनों ने केले की एक दुकान खोली। ना क्या हम दोनों कंपनी चला रहे हैं? यस और नो मित्रों? हाँ, हम दोनों कंपनी चला रहे हैं, क्योंकि कंपनी शब्द का मतलब होता है दो लोग अगर साथ में आके क्या करें, साथ में आके बिजनेस करें, प्रॉफिट कमाएं, वो कंपनी। पर क्या ये जो दो लोगों की एसोसिएशन है, क्या ये जो दो लोगों का साथ में आना है, क्या ये कंपनी एक्ट के थ्रू रेगुलेट होगा? बताइए मित्रों, होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 20 है वह यह कहता है कि कंपनी का मतलब एक ऐसी एसोसिएशन जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर किसी पुराने एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। उदाहरण के तौर पे कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन या सबसे बड़ा जो मैं देखता हूँ बच्चों के अंदर, सीज भी रटी रटाई बात बोलते हैं कि कंपनी बीज है, कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 1956। इसका मुझे आश्चर्य होता है जानकर कि इसका मीनिंग नहीं पता बच्चों को। तो मित्रों अगर आपसे कोई पूछे कि आप पार्टनरशिप फॉर्म एक कंपनी है, जवाब है यस, यस इट्स अ कंपनी। बट कंपनीज एक्ट के अंदर क्या वो कंपनी है? नहीं मित्रों, कंपनीज एक्ट के अंदर एक कंपनी तभी कंपनी कहलाएगी जब वो क्या होगी, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होगी। तो कंपनी किसी भी लोगों की कंपनी, 4-5 लोग साथ में आए बिजनेस करें, 7-8 लोग साथ में आए बिजनेस करें, प्रॉफिट कमाएं, प्रॉफिट को आपस में क्या करें, बांटें, क्या वो कंपनी है? है, कंपनी है। पर वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी कब कहलाएगा? कोई भी एसोसिएशन कंपनी कब कहलाएगी कंपनीज एक्ट के लिए? जब वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होगी बच्चों। तो सबसे पहली बात कि कंपनी कानून उसी कंपनी के ऊपर लागू होगा जो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होगी। क्या ये आपको समझा? चलिए अब हम बात करते हैं, अगर एक कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है या फिर कोई एसोसिएशन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। आप लोग भी बोल रहे होंगे यार ये क्या पढ़ा रहे सर, इतना कॉमन चीज हम सबको तो ये पता है। यस, आप सबको पता है, बट मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम है कि मैं आपको वो चीजें फिर से बताऊं। शायद ऐसी कोई जानकारी है जो आपको नहीं पता, वो जानकारी मैं आपको दूं। ध्यान से देखिए, तो जब कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है तो उसको एक स्टेटस मिलता है। कौन सा स्टेटस मिलता है? सेपरेट लीगल एंटिटी।
सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है मित्रों? दोस्तों मुझे ये बताइए सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? सर बड़ा सिंपल है सर, सालमन वर्सेस सालमन। नहीं मित्रों मैं आपके साथ वो डिस्कस नहीं करने आया हूँ, मुझे पता है वो आप किसी भी किताब में देखेंगे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा कि सालमन वर्सेस सालमन में ये कहा गया था कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी। क्यों ना उसको मैं आपको और ज्यादा अच्छे से कोई दूसरा उदाहरण लेके बताऊं तो शायद आपको काफी अच्छे से बैठे कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखिए, चलिए एक चीज तो हम सबको पता है कि कंपनी अगर कंपनी सेक्ट के अंदर रजिस्टर होती है तो जिन लोगों ने उस कंपनी को बनाया है उन लोगों से कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म। जैसे जैसे कंपनी क्या हो गई, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई, जैसे ही कंपनीज एक्ट के अंदर पंजीयन हुआ किसी कंपनी का, याद रखिए उसको एक स्टेटस मिलता है किसका, सेपरेट लीगल एंटिटी का। मतलब जिन लोगों ने उसे बनाया उसे कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका एक सेपरेट, वो अलग है, वो अलग है मित्रों। मुकेश अंबानी डिफरेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज डिफरेंट, दोनों का स्टेटस क्या है, अलग है। अगर कंपनी ने कोई गलती की, भले ही उसके पीछे कोई भी इंसान हो, बट कंपनी ने अगर गलती की तो सजा किसको मिलेगी, कंपनी को। सेपरेट है ना भैया, क्या है टोटली सेपरेट है। मतलब अच्छा एक और चीज, अगर मान लीजिए देखिए जैसे धीरूभाई अंबानी जी की मृत्यु हुई, क्या उस दिन रिलायंस का काम करना रुका? नहीं रुका, बिल्कुल भी नहीं रुका। इसका मतलब कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन वहां पे मेंबर है कौन वहां, बट कंपनी एक परपेचुअल एसोसिएशन है, वो हमेशा चलती रहती है। चल कहीं ना कहीं आपको शायद 10% समझाओ कि कंपनी जैसे ही कंपनी से केंद्र रजिस्टर होती है वो एक अलग इंसान बन जाती है। क्या बन जाती है? अलग इंसान। अच्छा ये उसको अलग इंसान का स्टेटस किसने दिया है? ये स्टेटस दिया है कंपनीज एक्ट ने, कंपनीज एक्ट 2013 ने उस कंपनी को एक अलग इंसान का स्टेटस दिया। मुझे एक चीज बताइए, टॉम एंड जेरी बचपन से, इनफैक्ट मैं भी आप भी बचपन से हम लोग ये कार्टून देखते हुए आ रहे हैं, हाँ या नहीं? श्योर आप सब हाँ कहेंगे। हाँ हम बचपन से ये कंसेप्ट सुनते आ रहे हैं कि टॉम है जेरी, पर मुझे ये बताइए कि टॉम और जेरी इन दोनों को बनाया किसने है? आपको पता है? नहीं आपको नहीं पता, और ये मुझे भी नहीं पता कि टॉम एंड जेरी ने किसको बनाया, बट क्या आज हम सब टॉम एंड जेरी को जानते हैं? हाँ सर हम तो टॉम एंड जेरी का कार्टून देखे बिना सोते ही नहीं। चलिए बहुत अच्छा, पढ़ना भी जरूरी है ये याद रखिए। चलिए तो टॉम एंड जेरी का कार्टून हम लोग रोज देखते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि टॉम एंड जेरी को बनाया किसने, बिल्कुल भी नहीं पता। क्या आपको नहीं लगता कि टॉम एंड जेरी भी सेपरेट एंटिटी है? एक बार जिस दिन वो टीवी में दिख गए हम सबको, कैन आई से वो सेपरेट एंटिटी बन गए? किसने उनको बनाया है, किसने उनकी रचना की है, इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। हम किसको जानते हैं? वी नो ओनली टॉम एंड जेरी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि टॉम एंड जेरी भी सेपरेट एंटिटी है? हमें नहीं पता, वो एक दूसरे की बात लगाते हैं, कोई किसी की पूछ काट देता है, कोई कुछ करता है। अच्छा क्या इससे उनके ओनर को कोई फर्क पड़ता है जिन्होंने टॉम एंड जेरी बनाया? नो, इससे ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं से, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी भी उसी प्रकार की है? जिस दिन वो कंपनी क्या हो जाए, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाए, वो भी टॉम एंड जेरी जैसी बन जाती है, अपनी हरकतों के लिए खुद जिम्मेदार, कोई बाहर वाला आदमी उसकी हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि कंपनी कौन है, हम लोग कंपनी को कंपनी के नाम जानते हैं, उसके पीछे कौन है हमको नहीं मालूम होता। सो एक बहुत सिंपल सा साधारण सा कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा टॉम एंड जेरी सेपरेट एंटिटी है, क्या है? सेपरेट एंटिटी, टॉम है जेरी है सेपरेट एंटिटी है, बट मैंने उन्हें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं कहा। अब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों है? व्हाई कंपनी इज कॉल्ड अ सेपरेट लीगल एंटिटी? कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी इसीलिए है क्योंकि कंपनी को या जो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है उसे सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस दिया है कंपनीज एक्ट 2013 ने। तो इसीलिए कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, ना कि सेपरेट एंटिटी। आई एम श्योर मुझे
बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपको ये कंसेप्ट समझा कि व्हाट एग्जैक्टली इज सेपरेट लीगल एंटिटी। किसी ने मान लीजिए हमने एक कंपनी बनाई, मान लीजिए हमने क्या बनाई, एक कंपनी बनाई और वो कंपनी बर्बाद हो गई, डूब गई, लॉस में आ गई। अब मुझे बताइए क्या उस अगर कंपनी डूबी है, लॉस में आई है, तो जिम्मेदार कौन है? क्या उसके पीछे के लोग होंगे या फिर रिस्पॉन्सिबल कंपनी ही है? बताइए मुझे कौन होगा लायबल? कैन आई से लायबल कंपनी ही होगी अपने अच्छे कामों के लिए, अपने बुरे कामों के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कंपनी जो है वो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने कामों के लिए खुद ही जिम्मेदार है। किसी बाहर वाले व्यक्ति को, आप कंपनी है उसके शेयर होल्डर को या फिर उसके डायरेक्टर को, आप कंपनी की हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते। Is that clear everyone? तो क्या है कंपनी? सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके बाद अब देखिए ये कंसेप्ट, अगर आपको कौन सा कंसेप्ट समझ में आ गया, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट समझ में आया, मेरे हिसाब से कंपनीज एक्ट आपके लिए क्या बन जाएगा, बहुत आसान बन जाएगा। नाउ अब चूंकि कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो मुझे बताइए कंपनी की प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी? बोलिए उसी के नाम पे। कंपनी की लाइबिलिटी जो है, कंपनी की लाइबिलिटी, अच्छा कई लोग, अच्छा एक और चीज, कई लोग सोचते हैं कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। परंतु जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। कंपनी की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। ना अब ध्यान दीजिए, अब कहीं ना कहीं लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये दो कंसेप्ट का भी रिलेशन किससे है? यस, किससे रिलेशन है? इसका रिलेशन भी है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। मित्रों अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, अगर मैं किसी कंपनी का क्या हूं, शेयर होल्डर, तो बतौर शेयर होल्डर मेरी जिम्मेदारी कंपनी के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। अगर मैंने शेयर खरीदे हैं भाई साहब, उस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, तो मुझे कंपनी को कितना देना है? आई जस्ट नीड टू पे 10 रुपीज। अगर मैंने अपने 10 रुपए दे दिए हैं और मान लीजिए कंपनी बर्बाद हो गई, मैंने जैसे 10 रुपए डाले वैसे ही कंपनी खत्म, कंपनी के ऊपर कंपनी वाइंड अप हो गई, कंपनी के ऊपर 100 करोड़ की लायबिलिटी आई। अब मुझे बताइए कंपनी बर्बाद हुई है जिम्मेदार कौन है, मैं या कंपनी? कंपनी, क्योंकि वो कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी हरकतों के मैं जिम्मेदार नहीं। हाँ मैंने शेयर लिए थे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है आपने जो प्रॉमिस किया वो दे दीजिए, ठीक है भाई साहब, मैंने 10 रुपए दे दिए। मैंने कितने रुपए दिए? 10 रुपए। 10 रुपए कंपनी को मिले, अब कंपनी मरे जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अलग है मैं अलग हूं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट एक और बेनिफिट प्रोवाइड करता है, कौन से तो बेनिफिट बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट। परपेचुअल कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो कैसा है? परपेचुअल। मुझे एक चीज बताइए, मैं इंसान, मेरे सीने में दिल है, हार्ट अटैक आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है, यहाँ पे किडनी है, खराब हो सकती है, आंखें खराब हो सकती हैं, क्या नहीं से, क्योंकि मेरे पास शरीर है, शरीर में परेशानी हो सकती है और किसी कारण किसी ना किसी कारणवश मृत्यु भी हो सकती है। पर कंपनी के पास ये सारी चीजें हैं नहीं, कंपनी को इंसान का स्टेटस दिया है कानून ने, कंपनी कभी भी मर सकती है नहीं, कंपनी की मृत्यु नहीं हो सकती। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी कभी नहीं मर सकती? हाँ, लेकिन जिसने जन्म दिया है कंपनियों ने, क्या उसी कानून की प्रोसीजर फॉलो करके क्या कंपनी वाइंड अप हो सकती है? मित्रों यस, कंपनी कैन बी वाउंड अप एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ।